dangerous, no, I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who to kill it now. Tell me who to kill it now. Dangerous, no, I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Guys, welcome back to another vlog. तीन चार बार मैंने कट किया इसलिए मेरा मुंह पर इतना बड़ा स्माइल आ रहा है. एक्चुअली छोटा मोटा से ब्लॉग लेके आई हूँ फिर से, मतलब पता नहीं कितना लंबा होगा. आज हम लोग जाएंगे सुनारी और दुर्गा पूजा में मैं हेयर कट करने वाली हूँ, तो देखा दियो मतलब कौन सा हेयर कट करूँगी पता नहीं. तो अभी मेरा बाल बहुत गिर रहा है प्रेगनेंसी के बाद. जो मतलब मैंने वो जगह इसलिए म्यूट कर दिया था, मम्मी बोल रही थी हाँ पहले कौन सा नहीं गिरता था उनके, तब हम दोनों का बैच शुरू हो गया था इसलिए मैंने कट कर दिया था. एक्चुअली पहले भी गिरता था लेकिन अभी और ज़्यादा गिर रहा है प्रेगनेंसी के बाद. तो जो जो नया नया मम्मी बना है सबको तो पता ही है कितना हेयर फॉल होता है अभी. तो चलिए ये अभी सबको बात को साइड करते बाद में इसका टॉपिक लेके आऊँगी. और यहाँ पर मेरा बेबी रेडी हो चुका है तो वो तो बहुत खुश है, उसको रेडी होने से पता चलता है कि वो अभी घूमने जाने वाला है. तो यहाँ पर मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोग मिलते हैं. तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ और बातें करने आई थी लेकिन वहाँ पर मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ बस पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे फिर से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है इधर. एक्चुअली आप लोग देख ही रहे हैं मेरा हालत, मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो चुका है. इतना नहीं सोचा था मैंने उल्टा सोचा था कि हाँ प्रेगनेंसी के बाद मैं पतली हो जाऊँगी बोल के, क्योंकि मैं जब लास्ट 9 मंथ तक भी मेरा वेट इतना नहीं था अभी जितना हो चुका है मेरा. ऑलमोस्ट मैं 70 तक पहुँच चुकी हूँ. बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये मेरा वजन खुद ही मुझे देखकर पता नहीं कैसे कम कर पाऊँगी. लेकिन हाँ यहाँ पर तो जैसे मम्मी संभाल लेती उधर घर जाने से तो मुझे अकेला संभालना पड़ेगा आई थिंक. तब मैं शायद थोड़ा बहुत तो लूज़ कर लूँगी, नहीं तो बाद में जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देगा तब मैं अपने आप लाइन में आ जाऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज तो मस्ट करना ही है क्योंकि इतना मोटा अच्छा नहीं होता है. फाइनली हम दोनों रेडी हो चुके हैं, रेडी और निकलते हैं अभी. यहाँ पर देख सकते हैं हम दोनों रेडी, मेरा तो अभी मतलब बेबी होने के बाद मेरा रेडी एकदम सिंपल तरीके से होना शुरू हो गया. बस जैसे जैसे बालों को बांध लेती हूँ लिपस्टिक, और हाँ लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस यही, और कुछ नहीं ज़्यादा चेहरे पर भी कुछ लगाना पसंद नहीं करती. तो यहाँ पर देख सकते हैं बस मैंने जैसे तैसे रेडी होकर निकल गई, और अभी देखिएगा वो बाहर निकलने के साथ सर और को उसको ले लेता है गोदी पर और वो भी सबके साथ चला जाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर भी चलिए, और मौसम भी अच्छा था तो इधर देख सकते हैं हम लोग सब गाड़ी में बैठ जा रहे थे और बाबू का चेहरा पूरा डाउन हो रहा था. तो चलिए अब निकलते हैं हम लोग, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद. तो बस वो तो बैठ गया मम्मी के साथ. और यहाँ पर देख सकते मेरा कपड़ा इसलिए आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि जब मैं रेडी हो रही थी ना ये कपड़ा शायद मेरे बाबू के पास था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब मतलब पहनने के लिए खींचा था तभी मैंने देखा था कि बाबू का हाथ पर था. तो ये ना उसका मुंह में डालकर बस पूरा गीला कर दिया, इतना ज़्यादा गीला किया कि मैंने अभी देखा मैंने इसको, फिर उस टाइम में मैंने नोटिस नहीं किया था. तो फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं और आज क्या हेयर कट करूँगी कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट बताइएगा. पता नहीं अभी तो मुझे खुद पर भी अच्छा, मुझे खुद ही मेरा चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता है. और हाँ ये देखिए हम लोग का टिजिट का रास्ता कितना सुंदर हो चुका है ना, पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी मेरा रास्ता, हम लोग का रास्ता कितना ख़राब रहता था अप डाउन अभी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और ये मौसम में तो घूमने जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. फाइनली अभी हम लोग सुनारी पहुंच चुके थे, बीच बीच में ना इतना बारिश हो रहा था तो मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया था. अच्छा ये नहीं तो हम लोग छाता भी लेके नहीं आया था, बाबू भीग जाता बाहर निकलने से. तो अभी ठीक ही है. तो अभी हम लोग सबसे पहले दिल्ली मार्केट के अंदर जा रहे हैं और इतना ज़्यादा रश था ना कि क्या ही बताओ, मतलब एक तो गर्मी पता नहीं अंदर में इतना गर्मी और ज़्यादा भीड़ था ना इसलिए गर्मी हो रहा था. मैं भी टफर की जैसा बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी था लेकिन बहुत ज़्यादा लोग था ना तो मुझे लगा बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आया होगा लेकिन अच्छा कलेक्शन मुझे तो कुछ ऐसा खास नहीं मिला. क्योंकि मम्मी बोल रहा था साड़ी ले लो बोल के, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगा बिल्कुल. मैं आपको दिखाऊंगी पीएम का भी साड़ी दिखाऊंगी. तो यहाँ पर मम्मी सबसे पहले माता रानी के लिए सिंगार का सामान ले रही है. तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए बाबू को मैं लेके खड़ी हुई. मेरा बेटा मेरे साथ ही रहने का पसंद नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया इसको. मतलब मैं शायद मैं ही थोड़ा कम लेके घूमती हूँ ना, क्या मैं थोड़ा नहीं मैं घूमती नहीं हूँ ज़्यादातर लेकर उसको. और मम्मी भाई जितना भी उसका मामा लोग हैं सबको इसको लेके घूमते हैं तो सबके साथ सबके पास चला जाता है, बस मेरे साथ ही रहना नहीं चाहते हैं.
तो यहाँ पर अभी हम लोग दिल्ली मार्केट से निकल गए थे यहाँ पर सब्जी मार्केट खरीदने के लिए। लोकल सब्जी सबसे पहले खरीद रहे थे इधर का, तो अच्छा लगता है ना ये सब्जी खरीदने। बहुत दिन के बाद मैं निकली हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मैं शायद नहीं निकली थी, प्रेगनेंसी पहले निकली थी सब्जी बाज़ार के लिए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बेबी के लिए, मतलब बाबू के लिए ड्रेस देखने के लिए। तो उसको मेरा उसका ड्रेस क्या खुद पसंद आएगा, उसको अपना गर्लफ्रेंड पसंद आ रहा था तो वो लड़की लोगों का ड्रेस देख रहा था। उसको मैं दिखा रही थी, मतलब मैं ट्राई कर रही थी कुछ कुछ ड्रेस, लेकिन हम लोग को भी अच्छा नहीं रहा तो हम लोगों ने लिया नहीं बेबी के लिए, ऐसे ऑनलाइन में ऑर्डर देख रखा है। तो यहाँ पर उस टाइम बहुत गर्मी था, बल्कि भाई ने इसको लेके आकर गाड़ी पर बिठा दिया था, दोनों ऐसी खावा पास खा रहा था, मतलब ले ही रहा था। और जैसे मैंने इसको बुलाया तो तभी इतना अच्छा स्माइल दिया, इतना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर वो दोनों मस्त इंजॉय कर रहा था, मतलब उसको मामा मिलने से और कुछ नहीं चाहिए। तो मम्मी और हम दोनों भी आराम से घूम रहे थे। तो चलिए अभी और भी दिखाना। Hi! Koi busho? Koi busho tumi? Hey! Tata! 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 Purti dekho na tar. Jeta se gaya? Ho gaya mummy ka, abhi mera baki hai. छोटा बेबी के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो लोग को कुछ देर बाद भूख लगता है, लेकिन वो लोग भी बहुत इंजॉय करता है घूमने टाइम, तो इसलिए लेके घूमना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पर आ जाती हूँ मम्मी के साथ उसको लेकर घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे सुपर मार्केट पर। तो इधर पर आते ही मुझे मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि इतना सारा ब्यूटी पार्लर है ना, कौन किस पे जाओ किस पे ना जाओ, वैसा अलग हो गया था। तो फिर मेरे बहन ने बताया था कि ये वाला पार्लर में जाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन लोग का बिहेवियर भी है, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया था। और मेरा बेटा तो बस सब गोपियों के बीच में कृष्ण कन्हैया बन के घूम रहा था, मतलब जितना भी स्टाफ था और जितना भी कस्टमर आ रहा था सबके गोदी पर जा रहा था, सबको उसको लेके घूम रहा था। और मैं यहाँ पर बिंदास आराम से अपना हेयर कट कर रही थी। तो यहाँ पर मैं लेयर कट कर रही थी क्योंकि मेरा बाल बहुत ज़्यादा पतला हो गया, तो वही लेयर कट ही ठीक ही लगा मुझे, चलो यही कर लेते बोल के। तो चलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ अभी यहाँ पर। तो ये देखिए लेंथ मेरा इतना हो चुका है, और बाकी जो था वो मतलब बहुत पतला हो गया था इसलिए मुझे काटना पड़ा था। तो यही है, ये इतना बाल होने से मतलब खोल के भी आराम से रख सकते हैं, और ज़्यादातर ना बाबू बहुत खींचता है तो उसके लिए मुझे आराम हो जाएगा अभी। तो उधर में भी देखिए बाबू बीच में है, और यहाँ पर सबको घेर कर खड़ा होकर उसके सामने। बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे पीएम के लिए, और यहाँ पर पीएम में सबसे पहले भाई का कपड़ा देखा जा रहा था। बेबी का तो मतलब मेरे बाबू का तो दो जगह पर कपड़ा देख चुके हैं हम लोग, लेकिन वैसा पसंद नहीं आया था, मुझे कुछ अलग चाहिए था, और जिसमें कैप भी रहे और डांगरी स्टाइल में कुछ रहे, कुछ थोड़ा हट कर रहे। अब मुझे तो टी शर्ट पैंट ये तो नॉर्मली रहता है, बस मुझे इस तरह कुछ चाहिए था, लेकिन वैसा मुझे मिल नहीं रहा था। वैसा एक पीस मिला जो कि नहीं था। उसके बाद मैंने मेरे लिए साड़ी देखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर अभी तो ऑर्गेन्जा ज़्यादा चल रहा है, तो मैं ऑर्गेन्जा देखने गई थी, तो मुझे कलर इतना अच्छा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बहुत मतलब मुझे दो कलर जैसे से पसंद आता, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि बाबू को लेकर मैं इसको पहन कर कैरी नहीं कर सकती क्योंकि एक थोड़ा सा फूला फूला रहेगा। हाँ, आप अगर सिंगल चल रहे हो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन बेबी के साथ इस तरह का साड़ी पहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत पसंद आया था, लेकिन बाद में बेबी का मतलब बाबू का दिमाग में रखकर मैंने कैंसिल कर दिया था। अगर ये सॉफ्ट में होता तो शायद मैं ले लेती, लेकिन ये सॉफ्ट में नहीं था, और ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर इसी में मुझे अगर सिंपल में कुछ मिल जाएगा तो मैं ट्राई कर लूँगी। तो ये सब ऑर्गेन्जा ही था, तो मैंने ज़्यादा तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि हम लोग ने लिया ही नहीं था साड़ी, तो थोड़ा बहुत पहले शॉपिंग किया मतलब किया है हम लोग ने मम्मी और मैंने, लेकिन और एक लेना है। तो चलिए अभी इसको देखिए, इतना बदमाश है, उधर में शॉपिंग करने नहीं दे रहा था, और इधर अभी आके चुपचाप उसके मामा के दुकान में बैठा हुआ है। तत मिश्रा पोछने वाला कपड़ा मुंह में एकदम। इस बार मेरा बेटा के साथ मेरा फर्स्ट दुर्गा पूजा है, और बेचारा उसके लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा है। मैंने ऑनलाइन में ऑर्डर दे दिया था क्योंकि खुद से भी मन करता है कि कुछ दो बोल के, जब से मतलब बेबी
मेरा बेटा जन्म हुआ उसके बाद से मैंने ऑनलाइन में सर्च करना ज़्यादा ढूंढना शुरू कर दिया। पहले मैं ऑर्डर करती थी मेरे लिए, अब ज़्यादातर मैं अपने बच्चे के लिए ऑर्डर करना चाहती हूँ और करती भी हूँ जब मुझे पसंद आता है। उसके बाद हम लोग खाने के लिए आ गए थे मोमो मियाँ में, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा आइटम है और मतलब इतना रिजनेबल प्राइस में आपको इतना टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा ना कि क्या ही बताओ। आप लोग पैक करके भी ले जा सकते हैं। तो मैंने इस बार भाई को बोला नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे ना इधर में आएंगे, हाँ टाउन से थोड़ा सा दूर है लेकिन बेस्ट है, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को गाड़ी पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाएगा और बहुत सा मतलब क्या ही बताओ बहुत अच्छा अच्छा आइटम था। मैंने और भाई ने थोड़ा बहुत आइटम ऑर्डर किया था, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या ऑर्डर किया था। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर सुनारी में और इस पर ये रेस्टोरेंट पर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड है यहाँ का। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और स्पेशली मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा लेकिन मेरे मम्मी को बहुत रेयर ही सब कुछ पसंद आता है, लेकिन मम्मी को भी उस कल का मतलब उस दिन का या फ्राइड मोमो, हम लोगों ने चीज़ फ्राइड मोमो ऑर्डर किया था बहुत ज़्यादा अच्छा आया था और चिली गार्लिक ये सभी कुछ कुछ ऑर्डर दिया था, फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, उसके बाद वाइट पास्ता ऑर्डर किया था। तो बस इतना ही खा के हम लोग पेट भर गया था और उसके बाद हम लोग बाहर में भी मतलब ऐसे आइसक्रीम भी खा लिया था तो आप लोग से शेयर नहीं किया, लेकिन ये सब इतना से ही मतलब आप लोग फुल प्लेट मतलब ऑर्डर मत कीजिएगा, हाफ हाफ प्लेट ऑर्डर कीजिएगा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऑर्डर कीजिएगा, देखिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने वाइट पास्ता हाफ प्लेट मंगाया था, तो हाफ प्लेट में हम लोग तीनों ने हम लोग ने मतलब शेयर करके खा लिया था। उसके बाद फ्राइड चीज़ मोमो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो हम लोग का खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आप लोग ज़रूर यहाँ आने से ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्राइड मोमो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और देख सकते हो थोड़ा थोड़ा खाली खाली है लेकिन खाने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। नया ड्राइवर हम लोग का क्या चला लोगे तुम? बेचारा स्टेयरिंग पकड़ने में दिक्कत हो रहा है। ए छोटू ड्राइवर तुझे सब मामार मस्त लगे छे ओय हाय আমার চেয়ার আমার গাড়ির সিট আমার কাপড়ের আলমারি সব লাগে তো ভাই হ্যাঁ কিছু বলনা চাওগে কিছু বলনা চাওগে হ্যাঁ চলি আজ আমরা এই পর এন্ড করতে মিলতে আপনার সাথে ব্লগ পর।